वेलकम टू सार्थक क्लास। आज हम देख रहे हैं मूर्धवर तिर्यग्भ्याम वैदिक गणित का सूत्र होता है, इसके माध्यम से गुणा करना है। ठीक है, ये क्लास नाइन्थ का है, चैप्टर वन, और इसका प्रश्न भी 1.3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको पूर्ण तिर्यग्भ्याम के प्रयोग से गुणा कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका इकाई रहा है सैकड़ा। ठीक है, तो इसका जो सैकड़ा वाला जो अंक है दोनों का, उसको पहले लिखेंगे यहाँ पे 1 और यहाँ पर 3। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पहले के दो संख्या को लिखेंगे 1 और 2, यहाँ भी पहले के दो संख्या को लिखेंगे 3 और 2। उसके बाद ये जो संख्या दिया हुआ है इसको फिर यहाँ लिखेंगे 1 2 3, और यह हो जाएगा 3 2 1। उसके बाद क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को लिखना है 2 3, और यहाँ लास्ट का 2 डिजिट है 2 1। ठीक, उसके बाद ये अंतिम जो इकाई अंक है 3 और 1, इसको लिखना है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले क्या किए हैं, पहले सैकड़ा इकाई रहा है सैकड़ा, सैकड़ा वाले अंक को पहले लिखेंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। उसके बाद स्टार्टिंग के 2 डिजिट को लिखना है, यहाँ 12 और ये हो गया 32। उसके बाद जो नंबर दिया पूरा नंबर लिखेंगे इसका, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को मतलब इकाई और दाही अंक को यहाँ पे लिखेंगे, तो इकाई दाही इसका ये हो गया, इसका इकाई दाही ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इकाई अंक यहाँ 3 है और यहाँ पे 1 है, ये इस प्रकार से। ठीक, आप इसको ऐसे ही गुणा करेंगे, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व, इसमें भी ऐसे ही होगा, ये कहलाएगा ऊर्ध्व, इसको बोलते हैं तिर्यक, तिर्यक मतलब तिरछा, इस प्रकार से ये भी हो जाएगा तिर्यक। और बीच वाला जो है इसमें ये इसका तिर्यक होगा और बीच वाली जो संख्या इसका ऊर्ध्व होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें हमको मार्ग करना है और इसका गुणा करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 × 3, 3 × 1 = 3। ठीक है, 2 × 1 = 2। ठीक, 2 दिया 6, अब 6 और 2 कितना हुआ 8, यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे गुणा, 1 × 1 = 1, 3 × 3, 3 दिया 9, 2 × 2 कितना है 4, अब इसको जोड़ो 9 और 1 = 10, 10 और 4 = 14, तो 14 का 4 दो संख्या आएगा, तो 4 यहाँ आएगा और ये 1 है, ये 1 को यहाँ पर हासिल रहेगा, 1 यहाँ हासिल आ जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे, 2 × 1 = 2 और 3 × 2 = 6, अब जोड़ दो तो 6 और 2 कितना होगा 8, 8 यहाँ पे लिखना। ठीक है, उसके बाद 3 × 1 = 3, अब इसको इस प्रकार लिखना, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3, फिर 8, फिर 4, 8 में एक जोड़ दो ये हो जाएगा 9 और ये 3 का 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम सूत्र का उपयोग करके इसका हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं।